हमारे स्तन को कौन देख रहा, हमारे सीने को कौन देख रहा, आगे कौन देख रहा, पीछे देख रहा, इसकी उन्हें चिंता नहीं होती। तो पूरा फ्रीडम होता है, जिसको यार उड़ने का एक कहते हैं ना, पूरा उड़ती है वो ग्राउंड में। महिलाओं का एक संगठन है जिसका पूरा नाम महिला स्वरोजगार समिति, जिसको हम लोग MSS कहते हैं, 15 सालों पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जो महिलाओं और बच्चों के साथ उसने एक जर्नी शुरू की थी। और अभी हम लोग 2 सालों से, जब 15 साल पूरे किए, तो हम लोगों ने एडोलसेंस को फोकस किया है। MSS की पूरी टीम है, जिसको क्रिया ने टेक्निकल सपोर्ट किया, फाइनेंशियल क्रिया का सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है क्रिया का। किशोरियों के संगठन बने हैं, 25 नंबर होते हैं। तो बेसिक है कि लड़कियों का ग्रुप फॉर्म करके और उसके ग्रुप के थ्रू हम लोग रोल आउट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है पहुँचने। ये तो हमने इतना सालों में मैं कभी फुटबॉल नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे इसमें जुड़ने से फुटबॉल भी खेलना सीखे, मतलब देखे। क्योंकि फुटबॉल जब लड़कियों के हाथ में आता है तो सबसे पहले वो दुपट्टा हटाती है, और जब दुपट्टा हटाती है तो पहला स्टेप है पितृसत्ता को चुनौती देना। बहुत कुछ सीखे, जैसे जेंडर, पितृसत्ता, लड़कियों के लिए खेल क्यों जरूरी है। पहले तो मैं इसमें नहीं जुड़ी थी, तो मुझे भी लग रहा था ये जेंडर, यौनिकता क्या है, ये सब फालतू चीज़ें हैं लड़कियों के साथ। जैसे मेरी भी एक मानसिकता बनी थी कि लड़कियों को तो सिर्फ घर में ही रहना है, फिर बाहर निकल के क्या कर लेंगी, ये सब तो लड़कों का काम है। तो जैसे हमने इस संस्था को ज्वाइन किया, क्रिया जैसे संस्था को ज्वाइन किया, तो वहाँ खुल के सीखने का एक मौका मिला। ओके, लड़कियों को फुटबॉल के लिए मौके नहीं मिलते, कबड्डी तक तो हो जाता है, खो तक हो जाता है, पर फुटबॉल एक ऐसा है जिससे उनका, कह सकते हैं, उनके बॉडी को हिलाता है, जो समाज को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है, उनके ब्रेस्ट बाहर आ चुके हैं, जिसको समाज बहुत बुरा मानता, पूरा ढका होना चाहिए। मैंने बोला ना, गर्दन के नीचे के पार्ट के बारे में बहुत लज्जावश इसको मानते नहीं। और यौनिकता, जेंडर, पितृसत्ता, ये सब तो कहीं कहीं का नाम ही नहीं है। मेरी स्कूल में ये बातें नहीं होती हैं, वहाँ तो सिर्फ कोर्स पढ़ाने का एक वो रहता है कि एग्ज़ाम आने वाला है तो कोर्स पूरा किया जाए। तो आपको अपने शरीर के बारे में भी खुल के बात बताते हैं? टीचर तो एकदम नहीं बात करते हैं, और जो मैडम है वो थोड़ी बहुत बात भी करती हैं, तो इतना ओपन नहीं, खुल के नहीं। ये मेरा शरीर है ना, इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि पड़ोसियों को पहले पता होना चाहिए? एक तो उनके पास समय नहीं रहता, स्कूल जाती हैं, और जो स्कूल नहीं जाती, ड्रॉप आउट होती, तो उनके पास घर का बहुत बोझ रहता है, और घर के बाद उनको खेलना, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई की बात करिए तब तक तो समझ में आता है, लेकिन ये फुटबॉल ही क्यों खेलवाती हैं आप? फुटबॉल खेल के माध्यम से जो उनके पूरे शरीर में जो एक सक्रियता आती है, जो उनके प्रजनन स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है, और उनकी यौनिकता पे भी एक, जिसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण एक उसकी भूमिका है। डिफरेंट डिफरेंट सेशन हैं, तो कुछ सेशन ऐसे हैं जो हमको कहीं ना कहीं चलाने में बहुत चैलेंज आया। कई बार ग्रुप टूट भी जाते हैं, और ये तो बच्चा पैदा करने के बारे में बताते, कंडोम के बारे में क्या ज़रूरत है बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर उनके पेरेंट्स के साथ बात करनी होती है। जब हम लोगों ने अभिभावकों से भी बात की, तो उनको ये है कि अगर आपको लड़कियों को समझाना है, सिखाना भी है, तो उनको आप सिलाई सिखाइए, कढ़ाई सिखाइए, फुटबॉल ही क्यों? लड़कियों में भी चैलेंज होता, लड़कियों को लगता है ये क्यों बताया जा रहा है, अभी हमको गर्भधारण के बारे में क्यों बताया जा रहा है, हमें इसकी क्या जरूरत है। तो लड़कियों में भी एक कहीं ना कहीं, और लड़कियों की हम गलती इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वैसा वातावरण उनको नहीं मिला, ना स्कूल में, ना परिवार में, ना समाज में। मुझे भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए, हमको तो बस यही लगता था जब से नहीं जुड़े थे कि हम तो लड़कियां हैं, घर में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के बाद शादी कर सकते हैं। जब शुरू में ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ, तो कि मेरी लड़की खेलेगी तो फिर वो घरों पे आएगा कि उनकी लड़की खेलती है, तो फिर कल के दिन में, कल उसकी शादी ब्याह में भी ये दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले तो लड़कियों को घर से किशोरी मंच तक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अलग अलग गाँव में अलग अलग ग्रुप के साथ अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती, क्योंकि उद्देश्य ये है कि लड़कियाँ मेन स्ट्रीम में आए और अपने बारे में वो समझे और अपनी खुद सेल्फ डिसीजन ले सके।
जो जेंडर भेदभाव होता था कि इसे लड़का है तो जैसे लड़का बाइक चला सकता है, लड़कियां बाइक नहीं चला सकती हैं, लड़का फुटबॉल खेल सकते हैं, मैच खेल सकते हैं, लेकिन लड़कियां हैं तो उनको घर में रहना है, वो मैच और फुटबॉल बाइक जैसे काम वो नहीं कर सकती हैं। मम्मी पापा के नज़रिए को बदलना चाहते हैं ताकि मम्मी पापा का नज़रिया बदले, मतलब एक तरीके से देखें भाई को भी बहन को भी। जो लड़की फुटबॉल नहीं खेल रही है उसके मन में है कि ये फुटबॉल सिर्फ एक लड़का ही खेल सकता है, लेकिन जो लड़की फुटबॉल खेल रही है उसको महसूस कर रही है, उसके प्रभाव को जान रही है, तो उन्होंने साथ साथ में ये भी देखा है कि अगर हम फुटबॉल खेल सकते हैं तो हम जीवन के वो सारे काम कर सकते हैं जो एक लड़का कर रहा है। अब माइनॉरिटी की लड़की जो नकाब और बुरखे में रहती कभी सर से उसका पल्लू नहीं हटता है, वो लड़की ट्रैक सूट पहन के अगर वो ग्राउंड में आती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा चैलेंज और कुछ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे किशोरियाँ जब से खेलने लगी, परिवार का फिर सहयोग मिलने लगा, फिर उन्होंने ज़्यादा अपने माता पिता को तैयार किया, फिर संस्था की तरफ से भी हम लोगों ने कई तरह की बैठकें कराई, बड़े बड़े खिलाड़ियों का हम लोगों ने परिचय दिया कि अगर उनके माता पिता ने उनको उस उम्र में रोका होता तो आज हमारे बीच में सानिया मिर्जा जैसी हस्तियाँ नहीं होती। लड़के ही सिपाही नहीं जा सकते हैं, लड़के ही नहीं निकल सकते हैं, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं।